बाय बाय होली। होली खेल चुकी हूँ मैं, इतनी होली खेलती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे शौक नहीं है ज़्यादा होली खेलने का फिलहाल। और ज़्यादा मुझे थकना भी नहीं था क्योंकि शाम को हमें जाना है, कहाँ जाना है ये तो बताएंगे। तो फिलहाल अभी नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि शाम को मुझे निकलना है और आपको भी साथ ले चलना है। आई एम ऑल सेट, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। और ये टाइम हो गया है, अभी 10 बज गए हैं और बस रेडी है, मैं आ गई हूँ जहाँ से मुझे जाना है। चलते हैं अब उस डेस्टिनेशन की ओर। मेरा ये फर्स्ट ट्रिप है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आ चुके हैं पूर्णागिरी और ये बसें तीनों हमारी खड़ी हुई हैं जिसमें कि हम सब आए थे। और अब यहाँ पर बज चुका है 12 लगभग और यहाँ पर जो है टैक्सीज मिलनी हैं बट अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और ये सारी भीड़ जो देख रहे हो ना, ये सारी भीड़ ये सब हमारे साथ ही जाने वाली है। हाँ चलो चलो चलो, तो फाइनली हम लोग अभी ना पीछे से गाड़ी करके यहाँ तक आ चुके हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल अभी ये लोग चल रहे हैं, हाँ चलो चलो मैं आ रही हूँ। और मंदिर बहुत ऊपर है, शायद वो शायद दिख रहा होगा। जय नगरी मैया की जय। तो यहाँ से एंट्री शुरू हो जाती है और बोलो नगरी मैया की जय। और यहाँ से शुरू हो जाती है माँ पूर्णागिरी की चढ़ाई। फिलहाल अभी रोड ही रोड है और उसके बाद मिलेंगी सीढ़ियाँ। ले रही हूँ, कितना टाइम हो गया हमें चलते हुए? 2 बज गए रात के। कितने बजे से चल रहे हैं? 1 बजे से चल रहे हैं। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया हमें। 1 घंटा हो गया और अभी हमें और चढ़ाई करनी है। मैं कह रही हूँ आगे कोई नहीं दिख रहा मगर पीछे बहुत लोग हैं। पीछे बहुत है, आ नहीं रहा ना, क्लियर नहीं आ रहा। अरे यहाँ से आए हम, नीचे हैं, यहीं से आए हम, नीचे से आए हम, हम और नीचे से वो वहाँ से आए हैं। कहाँ से? यहाँ से नहीं छाया, वहीं से ही आए हैं क्योंकि वो मकान में लड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ से। अच्छा बाबा रे, कहाँ तक ले आई तुझे? कहाँ ले आई? कितना अच्छा लगा, जिसको दिखाओगे और ये है चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने। माय गॉड, अरे आप सब्सक्राइब करना, बोलो हाय। हेलो पुनागिरी मैया की जय। जय। ये चलती हवाओं से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे कितना मौसम ठंडा हो रखा है क्योंकि मैंने मार्च के टाइम पर भी हुड डाला हुआ है और उसमें भी मुझे ठंड लग रही थी। और हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा रुक करके कुछ ना कुछ खाते पीते चल रहे थे और सबका ध्यान रख रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सच में। आगे चले और देखा कि एक चट्टान है जिसने कि एक आकृति ले रखी है शेर के खुले मुंह की। तो ये देखने में वाकई में जैसे दांत हैं, नाक हैं, चीज़ें समझ में आ रही थी और वाकई में बहुत अच्छा व्यू था ये देखने के लिए। और यहाँ जो लोग आए होंगे उन्हें पता ही होगा। तो हम आ गए हैं कहाँ कहाँ आ गए भाभी?
कार पार्किंग में आ गए हैं। यहाँ पे है कार पार्किंग और ये है लेटने बैठने की जगह। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है क्या? भैरव घाटी कहाँ लिखा है? हाँ वो रही, वो लिखा हुआ है भैरव घाटी, बाद में दिखा देंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ से अब अभी और कितनी दूर है? अभी तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। फिलहाल कितना टाइम हो गया? 3 बज गया, 3 बज गया और हम चल रहे हैं, हमारे पैर हमारा साथ दे रहे हैं है कि नहीं? और अब हम आ गए हैं मेन डोर जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ाई शुरू होनी है हमारी। तो ये है वो मार्केट, हालांकि रात का टाइम है और पूरा सन्नाटा हुआ पड़ा है यहाँ से वहाँ तक। ये है पार्किंग एंड वो है रेस्टोरेंट। फिलहाल हमें कुछ खाना नहीं है क्योंकि हम पैक करा के लेकर आए हैं। और ये है प्रसाद के लिए आपको अगर लेना हो तो, बाकी आप देख ही सकते हैं। और ये है वो मेन जगह जहाँ से अब हमें मेन एंट्री करनी है। यहाँ से हमारे बैग्स और हमारे शूज सबमिट हो जाएंगे और उसके बाद से सीढ़ियाँ स्टार्ट है। इतनी रात होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी चहल पहल थी, लोग आ रहे जा रहे थे, कुछ जा रहे थे दर्शन करने के लिए, कुछ नीचे आ रहे थे और यहाँ बीच बीच में लोगों के लेटने बैठने की सुविधा थी। और ये था वो मेन द्वार जहाँ से माता की जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब दर्शन करने के लिए जो मेन सीढ़ियाँ चढ़ लगती हैं, यहाँ से शुरू हो जाती हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे नीचे किसी के भी पैरों में चप्पलें या जूते नहीं हैं, यहीं पर ही सारा सामान जो है आपका आप छोड़ सकते हैं। हमने पहले नहीं छोड़ा था, हमने लास्ट में आकर के अपना सामान सारा रखा। ये व्यू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना पीस ऑफ माइंड यहाँ पर है कि बस मन कर रहा है कि यहीं पर ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हम वहाँ से आए हैं, वहाँ से घूमते। एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब वो मोमेंट आने वाला है जब हमें दर्शन होंगे। भीड़ में खड़े होना बहुत मुश्किल है भाई, वहाँ बहुत ही मुश्किल है। मतलब अभी भी आप देख सकते हो जो एक्साइटमेंट मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में थी वो अभी भी है। और सुबह हो चुकी है इस टाइम पर और यहाँ आने के लिए ना मैंने अपनी माता जी को मनाया है, 1 साल से मना रही हूँ और फाइनली इस माता के भी दर्शन मुझे आज हो ही गए। फाइनली हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं और टाइम कितना हो रहा है? 5:30 हो गए होंगे, 5:30 हो गए, हाँ 5:30 हो गए हैं। और इस टाइम पर हमारे हो गए दर्शन, हमें प्रसाद मिल गया है और अब हम नीचे वापस जाने वाले हैं। बहुत मशक्कर के बाद आए हैं, मेरा ये फर्स्ट टाइम था बट आई एम वेरी हैप्पी दर्शन के बाद। दर्शन करने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी तो जितनी एक्साइटमेंट ऊपर आने की थी उतनी ही एक्साइटमेंट अब नीचे जाने की है। और नीचे जाते ही सबसे पहले चाय ली जाएगी। दर्शन करके हम नीचे आ चुके हैं और ये व्यू देखो जरा, ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड ब्यूटीफुल सुबह के। Thank you.
पेट पूजा करने के बाद हम व्यू का नज़ारा लेते हुए चल दिए नीचे, और वो भी शॉर्टकट तरीके से, ताकि हम नीचे जल्दी जा पाएँ और भैरव बाबा के दर्शन कर पाएँ, क्योंकि उनके बिना भी दर्शन जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। पूर्णागिरी का ब्यूटीफुल व्यू जो कि रात में हमने नहीं देख पाया था और अब हम देख रहे हैं। और ये पार्किंग है जो कि रात में बिल्कुल खाली थी, बट इस टाइम पर आप देखोगे पूरी भरी हुई है। ये देखो वहाँ तक भरी हुई है, और यहीं पे हमारी बस लगी हुई है। बट हम अभी खाने पीने की तलाश में निकले हैं। दर्शन हम सुबह 5 बजे ही कर लिए थे, आप देख ही चुके होंगे, और अब तैयारी है जाने की। और अभी भी जाते वक्त हम कहाँ कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता। काफी सुना था इसके बारे में, तो वही देखने आए थे, पता चला यहाँ पे बंद है। हाँ जी हाँ जी, नेपाल का डैम। हालांकि हम नेपाल नहीं जा रहे हैं, मगर हम यहाँ के व्यूज़ तो पूरे ही लेने वाले हैं। तो ये रहा डैम और ठंडा ठंडा पानी। डुक्की मारे क्या? मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो भूल के निकलूँगी फिर। चुप चुप। और वो रहा व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू देख लीजिए। चलो चलो चलते जाओ। चोचो तो खिला फेमस। चोचो नहीं, हमने ये जो आप देख रहे हैं ये है महेंद्र नगर, और महेंद्र नगर से निकलती हुई शारदा नदी के ऊपर ही ये डैम बना हुआ है। इसका डिस्कस हिस्ट्री में भी है, और ये आज का नहीं, ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ डैम है। और मुझे जो यहाँ की सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद आई ना, वो था ये गोला। भाई इस बंदे ने जो गोला बनाया है ना, ओ गॉड, इतना टेस्टी कि मैंने 2 बार खाया और मेरी बार बार तलब बढ़ती जा रही थी इसको खाने की। कभी भी आप लोग यहाँ पे घूमने आए तो एक गोला ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम आ चुके हैं नानकमत्ता। नानकमत्ता का ये गुरुद्वारा है। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, सरोवर के नज़ारे लिए और माथा भी टेका हमने। थोड़ी देर रुके हैं, उसके बाद माथा टेक करके हम बाहर निकल आए, और टाइम हो गया था अब घर जाने का। ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा था, अंदर ज़्यादा परमिशन नहीं थी चीज़ों को क्लिक करने की एंड ऑल, तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने बहुत कुछ तो नहीं कैप्चर किया, बट कोशिश आपको करी है कि आप लोग देख पाएँ। और प्रसाद मैंने ले लिया है। रात के बज गए हैं 7:30 हो गए हैं, और अब टाइम हो गया है घर जाने का। हमने गुरुद्वारा भी घूम लिया, अंदर परमिशन नहीं थी किसी भी चीज़ को क्लिक करने की या फ़ोटो लेने की, तो इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। कोशिश करिए कि मैंने आप लोगों को दिखा पाऊँ, बट इन सब चीज़ों के अलावा अभी फ़िलहाल हम हैं नानकमत्ता में, और अब सीधा घर के लिए रवानगी है। और ओवरऑल आज का जो ट्रिप था, मतलब कल से लेकर आज तक का जो ट्रिप था, बहुत ही वंडरफुल था। मेरी लाइफ का बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट थे ये। तो भाई सोडे के साथ हम समाप्ति ले रहे हैं आज के ब्लॉग की। मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में,
और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय.